फोर्टाबास शहर जो है वो बहावलनगर डिस्ट्रिक्ट की तहसील है और चोलिस्तान में ये इलाका आता है। चोलिस्तान में गर्मी बहुत होती है और चोलिस्तान की पुट्टी फसल, कपास की जो फसल है वो बहुत मशहूर है, बहुत अच्छी पैदावार होती है क्योंकि यहाँ जक्कड़ चलते हैं जिसकी वजह से कपास की पैदावार बहुत अच्छी होती है। बावलनगर की कुल 6 तहसीलें हैं जिनमें फोटाबास एक तहसील है, एक मिंचनाबाद है, हरूनाबाद है, बावलनगर खुद तहसील है, चिश्तियाँ तहसील है और मरोड़ भी इसमें शहर आ रहा होता है, हरूनाबाद भी आ रहा होता है, खिची वाला, फकीर वाला। ये जो है बॉर्डर के भी बिल्कुल करीब है, इंडिया का बॉर्डर। इसमें एक डोंगा बोंगा शहर है जिसके बिल्कुल करीब है इंडिया का बॉर्डर। बहावलपुर रियासत में ये बहावलनगर आता था। बहावलपुर और बहावलनगर पुराने शहर हैं, इंडिया के साथ ही इसकी जो है वो बॉर्डर बिल्कुल लग रहा है। साहिवाल की तरफ से भी बहावलनगर को रास्ता आता है, बागपतन से भी होते हुए बहावलनगर आया जा सकता है। विहाड़ी की तरफ से हासिलपुर, चिश्तियाँ और बजरिया, बहावलनगर, हरूनाबाद आया जा सकता है और मंडी, यजमान, मरोट वाले रास्ते से भी बहावलनगर फोटाबास की तरफ आया जा सकता है। ये 3 रास्ते इसे मेन लगते हैं। बेसिकली ये जो है चोलिस्तान का इलाका गर्म इलाका है, बहुत शदीद शिद्दत की गर्मी होती है यहाँ पर। कुछ जगह अच्छे रोड्स बन गए हैं मगर आप देख सकते हैं ये जिस जगह हम जा रहे हैं ये रोड नहीं बनी हुई, गवर्नमेंट हो रही है, नई रोड बन रही है। यहाँ पर कोई पत्थर वगैरह डाला हुआ है। ये लारिटे के हम करीब हैं, फोटाबास में लारिटा जो है मेन बस स्टैंड उसके बिल्कुल हम करीब हैं। ये हॉस्पिटल है एक और इसके बिल्कुल साथ ही जो है वो जनरल बस स्टैंड है फोटाबास का। आप देख सकते हैं कि फुल जो है धूप निकली हुई है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ वीडियो में कि गर्म इलाका है, शिद्दत की गर्मी होती है, बल्कि जक्खड़ यहाँ चलते हैं जिस गर्मी की शिद्दत की वजह से यहाँ पर जो है कपास की फसल अच्छी होती है, कपास को कीड़ा या बीमारी नहीं लगती।